हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ सुरेखा। सुरेखा स्पेशल रेसिपी में आज आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ महाराष्ट्र की फेमस स्वीट डिश आम का रस। ये महाराष्ट्र की फेमस स्वीट डिश है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए बनाते हैं आम का रस। आम का रस बनाने के लिए मैंने लिए है ये 3 बड़े आम, चीनी का पाउडर कर लिया है, घी, इलायची, थोड़ी सी चीनी में कूटकर पाउडर बना लिया है और पानी। इस आम के छिलके को हम इस तरीके से पहले निकाल लेंगे। चाकू से बहुत अच्छी तरीके से इसके छिलके निकलते हैं, इसलिए मैंने चाकू को यूज किया है। इन छिलकों को हम अलग रख देते हैं और इसे इस तरह से इसका पल्प निकाल लेते हैं। इस तरीके से हमने पूरा मैंगो का पल्प निकाल लिया है। ये देखिए गुठली बची सिर्फ से डाल देते हैं। तीसरे आम का भी मैंने पूरा पल्प अच्छे से निकाल लिया है। ये आम बड़े बड़े थे इसीलिए इन तीनों आम का इतना पल्प निकला है। अब हम इसे मिक्सर में डाल के बारीक कर लेंगे। मिक्सर में डाल लेते हैं। मिक्सर में मैंने इसको करीब 30 सेकेंड तक बारीक पीस लिया है। अब इसे हम निकाल देते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूंगी, थोड़ा सा एकदम। अब हमें आम के हिसाब से इसमें चीनी पाउडर डालना है। अगर आम ज़्यादा मीठा हो तो कम चीनी पाउडर लगेगी, खट्टा होगा तो ज़्यादा लगेगी, इसलिए हम इसे पहले टेस्ट कर लेंगे। ये आम बहुत ही मीठे हैं, इसलिए हम इसमें थोड़ी सी चीनी पाउडर डालेंगे। अगर हमें लगता है आम का रस खाते वक्त कि खट्टा है रस, तो हम इसमें टाइम पर चीनी पाउडर मिला सकते हैं। इसे अच्छे से ऐसे चला ले। अब इलायची पाउडर डालूंगी जो मैंने चीनी में बारीक कूट ली थी। पूरी तरह से अच्छी तरह से मिल गया है। मैंने इसमें दूध नहीं डाला है, आप चाहे तो डाल सकते हैं दूध या फिर नहीं डाल सकते। मैंने इसमें दूध नहीं मिला है, सिर्फ थोड़ा सा पानी ऐड किया है। ये बन गया हमारा आम का रस। अब हम इसे बाउल में सर्व कर लेंगे।
सर्व कर लेंगे। खट्टा मीठा जैसा है टेस्ट करके हमें इसमें चीनी पाउडर मिला देना है। ये हो गया हमारा आम का रस तैयार। अब हम इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे। विदर्भ में आम का रस घी डाल के खाया जाता है। आप चाहे तो घी डालें, अगर स्मेल नहीं पसंद है तो नहीं डालें। ये हमारा हो गया आम का रस तैयार। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।